सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरु ग्रह पढ़ने के लिए भगवान जाते हैं, विद्या प्राप्त करने जाते हैं। जिसके श्वास से वेद झरते हो उनको विद्या की क्या आवश्यकता। मनुष्य का जन्म लेकर आए हैं, इसीलिए गुरु को आदर देने के लिए ठाकुर विद्या अध्ययन करने गए। विद्याएं तो सहज प्राप्त हैं, लेकिन गुरु कृपा से विद्या मिलती है ये बताने के लिए ही भगवान विद्या अध्ययन करने जाते हैं। विद्या किसे कहते हैं? विद्या क्या है? क्या यही विद्या है जो हम आज पढ़ रहे हैं? हमारे विद्यालयों में, मॉन्टेसरी में, सरस्वती विद्यालयों में जो पढ़ाया जाता है, इनमें कौन सी विद्या है? हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या सीखने की जरूरत है, आवश्यकता क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, ये तो कोई महापुरुष बताएंगे। महापुरुषों ने कहा है विद्या उसको कहें सा विद्या या विमुक्त। ये विद्या वो है जो जीव को जड़ता से निकाल कर चेतन में स्थित करती है, जो जीव को बंधन से मुक्त करती है, सो विद्या है। और जो चेतना को जड़ता में फंसा कर मार देती है, सो विद्या है। हमारी विद्या तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर परिजनाय। हमारी विद्या तो केवल विवाद के लिए ही होती है। हम कुछ सीखे हैं तो अकड़ने के लिए कि हमको भी कुछ आता है। विद्या विवाद आया। मेरे भाई बहन, विद्या क्या है? कृष्ण भी विद्या पढ़ने गए, राम जी भी विद्या पढ़ने गए। कृष्ण जी और राम जी दोनों गुरु आश्रम विद्या पढ़कर आए हैं। उनकी उनकी जीवन शैली देखिए। आज हमारे बच्चे विद्या पढ़कर लौटते हैं तो कैसे हो जाते हैं, और वो विद्या पढ़कर लौटे हैं तो कैसे हुए। देखो राम जी जब पढ़कर आए तो उनके जीवन में दिखाई क्या दिया। प्रातः काल जागते हैं, विद्या पढ़कर लौटे हैं, माता के पिता के गुरु के चरण छूते हैं। प्रातः सरजू में मज्जन करते हैं, स्नान करके संध्या करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करने से आयु बढ़ती है, गायत्री माँ का जप करने से तेज बढ़ता है, और माता पिता की आशीष लेने से, सेवा करने से आयु विद्या यश बल सब बढ़ते हैं, सभी प्राप्त हो जाते हैं। पूछ पूछ करके राजकाज में सहयोग करते हैं,